राम राम दोस्तों, नमस्कार, जय राजस्थान, जय राजस्थानी, और मैं सुदेश राजस्थानी, हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। तो अजमेर का मायना आइटम दीपक भाई अपना स्वागत, तो बताएगा कि आज मैं किसी से गया। दीपक भाई आज किसी से गया पा? ये अजमेर से 30 किलोमीटर दूर जयपुर रोड पे अपने हैं किशनगढ़ में। हाँ, और ये है डंपिंग यार्ड, और यहाँ पे बहुत ही सुंदर दृश्य आपको शिमला जैसा महसूस होता है, बर्फ जैसा। हाँ, लेकिन ये जो डंपिंग यार्ड है वो है। अच्छा। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्री वेडिंग शूट जो है वो भी चल रही है। तो ये प्री वेडिंग शूट और अन्य फोटोग्राफी के लिए बहुत ही शानदार एक जगह कह सकते हैं ये। तो आप अजमेर आते हो तो अजमेर से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर है जयपुर रोड पे, तो इसका आप विजिट कर सकते हो। मतलब ज्यादा कपल्स आवे इस जगह? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कपल्स आवे। तो आज प्री वेडिंग शूट के लिए बहुत ही अच्छा स्थान, बहुत शानदार है ना? बहुत शानदार। तो भाई अब मैं थाने बताऊंगा कि इस जगह की खास बात क्या है, दीपक भाई सागर है, तो आज माइक कौन ही, हालांकि क्योंकि काफी घूमने की व्यवस्था का कारण माइक कौन ही, लेकिन फिर भी आवाज है तो थार तक पहुंच रही है, और अठे की जगह चीजा है बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और दीपक भाई अठे के फेमस है यहाँ? सर ये किशनगढ़ में है अपन डंपिंग यार्ड में, तो ये डंपिंग यार्ड में प्री वेडिंग शूट है और फोटोग्राफी के लिए एक बहुत ही अच्छा स्थान है, और अजमेर से सिर्फ ये 30 किलोमीटर दूर है, तो बहुत ही शानदार। मतलब अपने को ऐसा लग रहा है कि जैसे अपन एक तरीके से बर्फ में चल रहे हैं। हाँ। लेकिन ऐसा है नहीं। अच्छा। तो ये देखने में ऐसा लग रहा है कि जैसे हम किसी बर्फ में या किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा बर्फबारी हो रही है। और मतलब अब मिट्टी निकला है एकदम ओरिजिनल? बिल्कुल बिल्कुल, ये यहाँ की जो मिट्टी है वो उसी के कारण ऐसा है कि डंपिंग यार्ड में जो पत्थर जो है उनका जो अवशेष जो है उसको यहाँ पे करके ये पर्यटकों के लिए एक स्थान जो है वो बनाया गया। मतलब ये आप शिमला में एकदम? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही लगता है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत बहुत आभार दीपक भाई। तो दीपक भाई सागे हैं, तो चारों तरफ को जो नजारो है वो नजारो बता रहे हो, इन्हें शायद कोई गाणो वाणो चाल रहे शायद मेरे हिसाब प्री वेडिंग शो है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मतलब ये जगह नया कपल्स है ना, तो बहुत ही शानदार दृश्य है थरी स्क्रीन पर, बहुत ही गजब। और रजाक भाई है इन्हें, और उड़न दस्ता आजो, तो घुमा फिर आगे चल गए, सागे सागे घूमता जावा, बहुत ही गजब। मतलब ये तो इनू आने की जरूरी की आप इनू ही आ सका जंगल हूँ, बहुत ही गजब। और स्क्रीन पर बहुत ही सुंदर नजारों, बहुत ही शानदार दृश्य है। और ये आइटम थारी स्क्रीन पर, मतलब पुराने पेड़ ने भी मतलब कलर है जो कर गए, और बिंगो लुफ्त है जो लुफ्त उठाए जा रहे हैं, बहुत ही शानदार। घोड़ा तीन तीन है शायद घोड़ा, और वो पूरा एक मतलब पर्यटक की नज़रों बहुत ही शानदार जगह बन चुकी है। मार्बल पत्थर निकला इस जगह है ना दीपक भाई? मार्बल पत्थर निकला है, मार्बल पत्थर निकला है इस जगह, और इन अवशेष ने बहुत ही गजब मतलब बना दिए गए हैं चारों तरफ। अगर थे देखा होगा तो ये टाइम सैलानी है जो घूमने वास्ता हुआ है, और यहाँ लगे कि वाकई में भाई आप कटी मतलब शिमला के अंदर हो। बहुत ही अद्भुत नज़ारों हैं जो स्क्रीन पर है अजमेर के मायने। अलग अलग तरह का जो लोग है वे माना कि मतलब शिमला कौन जा सके, लेकिन फिर शिमला जैसी फीलिंग है वह फीलिंग मतलब लियान वास्ते कुछ माना चाहिए, तो बे इस जगह घूमन वास्ते हुआ है। और अच्छा अच्छा पेड़ पौधा ने भी गजब तरीके में मतलब तैयार कर दिए गए हैं, कलर तो भी यहीं वाइट होगा क्योंकि पूरा मार्बल है जो एकदम वाइट है, काफ़ी लोग घूमे शानदार। हॉर्स राइडिंग, हाँ देखो जबरदस्त, देखो बच्चा पेंट भी खराब करे छोटा छोटा बच्चा, और ओके है प्री वेडिंग या ये फोटो खींचने वास्ते है नहीं, फोटो खींचने वास्ते है नहीं लगा, देखो पानी आ गया लेना। ओ पूरो एकदम पानी पूरा चारों तरफ, अगर थे देखोगा तो चारों तरफ
मतलब करीबन कितना लोग मानो दीपक भाई? हजार से ऊपर है। हजार ऊपर है ना, मतलब 5 बजे तक थे आपको? और किस एरिया में पड़े हो? किशनगढ़ में। किशनगढ़ में अभी आप? किशनगढ़ में, अजमेर से 30 किलोमीटर दूर। 30 किलोमीटर दूर आप किशनगढ़ में? जयपुर रोड। जयपुर रोड पर किशनगढ़। मतलब एक बात तो है, अपन तो यहाँ लगे कि चूने की फैक्ट्री मार गया है। देखो वे ट्रक जा ही भी रहा है वे, लेकिन मतलब बारू जगह लोग बंग लिए, मतलब अच्छी क्वालिटी है, एक अच्छी चीज है। ओ आपको कोई सिस्टम खोल रखे, देखो स्कूटरी ले गए बंदो, की ना की कर रखी भाई। थोड़ा घूमा तो पूरा एक एरियो है, जो एरियो मतलब आगे पीछे देखो अगर थे एकदम पहाड़ है, पूरा एकदम पीछे पहाड़ है, लेकिन वो इतो सो एरियो है जो ये जगह मतलब निकाले हुए है, बहुत ही शानदार एकदम जबरदस्त पत्थर भी है इस जगह। और एक विशेष बात है कि कचरा कचरों को नहीं बिल्कुल ही है ना, थूकनो थाकनो भी को नहीं एकदम, बहुत ही उम्दा। और इनका जो किसन मार्बल मतलब लेनी पड़े अपन परमिशन वगैरह? जी सर, अगर आप गाड़ी में आते हो तो परमिशन की जरूरत है। अच्छा, गाड़ी में आते हो तो आपको जो एसोसिएशन है हाँ, उससे परमिशन लेने की जरूरत है बाइक। अच्छा। से, और अगर आप वैसे आ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे ही आ सकते हैं इसमें। नहीं तो मतलब कपल ही आ सके या सिंगल भी आ सके? नहीं नहीं, सब आ सकते हैं, कोई वो नहीं है कि हाँ, कपल ही आ सकते हैं, सब आ सकते हैं। अच्छा, या सभी प्रकार के लोग जो है। टेक द आईडो कपल सकड़ है? नहीं नहीं बिल्कुल, अपन तो दोस्तों के साथ ही आए हुए, दोस्त कपल उमट गए हुए। मजाक करा, दीपक भाई है, दीपक भाई खाजवाड़ा सु 17 के वाडी गांव है ना दीपक भाई? बहुत बढ़िया, परिवार फैमिली वगैरह बैठी रहे दीपक भाई? यस सर। वाह जी वाह, क्या बात है। और आपकी पढ़ाई वगैरह कठा हुई है? 17 के वेडी में। किस स्कूल में? और खाजवाला में। वाह जी वाह, क्या बात है दीपक भाई। और अभी रेलवे में थे हो? हाँ, रेलवे में। अजमेरी ड्यूटी है? अजमेरी ड्यूटी है। बहुत बढ़िया भाई दीपक भाई, बहुत बढ़िया दीपक भाई, आज घुमाने ले गया है। रजाक भाई तो मन ही मन खुश हुआ है यहाँ देख, बहुत ज्यादा है, शिमला में आ गया, शिमला में आ गया है। देखो ये छोटा छोटा बच्चा है, मतलब ये देखो ते, ओहो हो हो जबरदस्त गाड़ियां ही गाड़ियां, फुल एकदम गाड़ियां, बहुत ही गजब को नजारो है जो भी थारी स्क्रीन पर था देखने लग रहे है दोस्तों, बहुत ही गजब। देखो गाड़ी पार्किंग देखो कितनी, मतलब गाड़ी भी बहुत है, सैकड़ों गाड़ी है, जबरदस्त। बहुत ही शानदार दो भाई है जो थार ने लेके घूम रहे हैं। फोटो शूट करा रहे हैं नहीं? तो शेयर कर दिया भाई साहब, एक अद्भुत एक शानदार जगह है जो अजमेर के मायने थाने दिखाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।